रेस्क्यू किए थे जो ट्रैप हुए थे, और भी दो लोगों की आशंका है कि वो ट्रैप हुए होंगे। नवी मुंबई के शहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आपको बता दें कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है। आज सुबह करीबन 5 बजे के पहले ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। ये G+3 की बिल्डिंग है, सेक्टर 19 और शाहबाज करके विलेज है, ये बेलापुर वार्ड में आती है। यहाँ करीबन 3 G+3 माले या 4 माले की बिल्डिंग यहाँ खड़ी थी, उसमें करीबन 3 शॉप्स थे और 13 आपको फ्लैट थे, तो उसी में करीबन आजकल 39 लोग और 13 बच्चे, ऐसे कुल मिला के 52 पीपल बाहर निकल रहे हैं। 2 लोग रेस्क्यू किए थे जो ट्रैप हुए थे, और भी 2 लोगों की आशंका है कि वो ट्रैप हुए होंगे। NDRF की टीम है, हमारी NMMC की टीम पे भी साइट पे है, मैं भी साइट पे आया था 6 बजे मुझे पता चलने के बाद, और हम हमारी रेस्क्यू वर्क चालू है अभी, जो आपको आगे बता जाएगा। और जो लोग रेस्क्यू किए उनको हमने अपने इस पे रेस्क्यू शेल्टर में भेज दिया है वो फैमिलीज़ को, और 2 जो एडमिट हुए वो भी हॉस्पिटल में, दे आर ऑल्सो स्टेबल। कितनी साल पुरानी बिल्डिंग? ये 10 साल ही पुरानी लगती है। अभी तो बिल्डिंग क्यों कोलैप्स हुई 10 साल में, उसका हम ये करेंगे, छानबीन करेंगे, उसकी इंक्वायरी होगी, और जो किसकी बिल्डिंग होगी तो उसको कोई उसके ऊपर कार्रवाई भी कर देंगे। सवेरे CBD अग्निशमन केंद्र में, हमारा जो CBD का अग्निशमन केंद्र है वहाँ पे सवेरे 4:50 को कॉल आया कि CBD जो शाहबाज में बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, तो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, तभी हम तुरंत हमारी टीम और हमारे अधिकारी यहाँ पे आए। 2 लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे मलबे के अंदर, इसका नाम है सैफ अली और रुस्कर खातून करके है, इनको हमने जीवित बाहर निकाला क्योंकि काफ़ी रिस्क था, थोड़ा रिस्क उठा के हमने उनको बाहर निकाला अधिकारी और कर्मचारी, और एक मोहम्मद सिराज करके है, अभी वो मिसिंग है ऐसा मालूम गिरा है। हाँ, तो अभी फिलहाल अपना बाकी का जो बचाव कार्य वो चालू है। हाँ, इसमें वाशी अग्निशमन केंद्र, CBD अग्निशमन केंद्र, नेरुल अग्निशमन केंद्र के अधिकारी कर्मचारी है 60 से 70 लोग, और NDRF की टीम भी है यहाँ पर। सवेरे CBD फायर ब्रिगेड में सवेरे 4:50 का कॉल है, 2 जन अटके रहने का अभी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है।